हैलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा अपनी यूनिट 7 चल रही सी पी ब्लॉक एलीमेंट्स, जिस दे विच आपां ग्रुप 15 कंप्लीट कर ले ते आपां नेक्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 एलीमेंट्स। ओके, ग्रुप 16 एलीमेंट्स पहला तुहानू पता होने चाहिए ने कि अपने कोल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलरियम एंड लास्ट वन इज द पोलोनियम। ठीक है जी, न्यूली डिस्कवर्ड एलीमेंट याद हो गया होना सबनों, दैट इज द लिवर मोरियम। ठीक है, ग्रुप 16 एलीमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की दसी हुई सी तुहानू, एन एस टू एन पी फोर। ठीक है, तो इसके आप कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स या आप इन्हों फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट कर लगे बेटा, दैट इज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट्स, मीनस आप हूँ कैमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कैमिकल प्रॉपर्टीज दे विच सब तो पहला आप डिस्कस करांगे इन्हां दे हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट्स। एक्चुअली बेटा जिहड़ी कैमिकल प्रॉपर्टीज हुंदियां ने, कैमिकल प्रॉपर्टीज दे विच ए सारे एलीमेंट्स की रिएक्शन हुंदी आ, लाइक जिवें हाइड्रोजन आ रिएक्शन तां हाइड्राइड, ऑक्सीजन आ रिएक्शन तां ऑक्साइड्स, हैलोजन आ रिएक्शन तां हैलाइड्स। तो उन्हां दे विच आपां फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं कैमिकल प्रॉपर्टीज की, दैट इज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहले तो ये सारे के सारे एलीमेंट्स ने जो हाइड्रोजन के नाल रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो इट मीनस ये की बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। हाइड्राइड वर्ड तो याद होना चाहिए, मैं तुम्हें पिछले ग्रुप च भी समझाया सी, आई डी ई वर्ड कितने लगता होंगे जिथे एच के उपर कि चार्ज आ जाए, नैगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा जाता हाइड्राइड्स। क्लीयर बेटा, तो यह सारे के सारे ग्रुप 16 एलीमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स के बनाएंगे बेटा, लाइक जिमें ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन होया हाइड्रोजन H2O, H2S, H2S E, H2TE। क्लीयर, तो अपने को ने ग्रुप 16 एलीमेंट्स के हाइड्राइड्स, बाकी दो पलोनियम ते लिवर मोरियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स ने, इन्हों के हाइड्राइड्स नहीं बनते। क्लीयर है राजे, तो हम आप हाइड्राइड्स नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सब तो पहला तो आप हाइड्राइड्स का क्वेश्चन, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा हाइड्राइड्स का, जो मोस्टली एग्जाम के पूछा गया। ठीक है, विच इज द मोस्ट स्टेबल, क्वेश्चन की है बेटा, विच इज द क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, 45 तक अपने कंप्लीट हो चुके सी, ते अज आप 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन की है बेटा अपने कोल, विच इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, विच इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट्स, ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट्स, एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। देखो बेटा ध्यान ना समझो, इतने अपने को ने गए सारे हाइड्राइड्स ने, जिन्हों H2O नूं आपां की कह दिंदे वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टैलरियम। ओके, तो हम देखो विच इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, अपने को ग्रुप 16 एलीमेंट का सब तो स्टेबल हाइड्राइड कि आंसर इज द H2O। ठीक है, सब तो स्टेबल हाइड्राइड कि बेटा अपने को वाटर, H2O। क्लीयर, दैट इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट। इवन स्टेबल की जगह पर कई बार ना न्यूट्रल भी पूछा जाता, तो यह हाइड्राइड पता ही है तुम्हें, वाटर की एक न्यूट्रल सबस्टांस आ। ठीक है जी, तो मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट इज द वाटर एंड इट इज द न्यूट्रल। तो यदि स्ट्रक्चर की हो सकती है, वाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ हैब्रिडाइजेशन, तुम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो वाटर की स्ट्रक्चर हैब्रिडाइजेशन के बेसिस उ। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम आ रहा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की होनी अपने को, 2s2 2p4। ठीक है जी, एस को अपने को दो इलेक्ट्रॉन्स ने बेटा, तो पी को अपने को चार इलेक्ट्रॉन्स ने, पी को फोर इलेक्ट्रॉन्स ने। तो देखो इतने अपने को हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने किन्ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन नाल, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होना इतने अपने को, हाइड्रोजन ये कंबाइन हो जानी आ। तो अपने को इतने हैब्रिडाइजेशन देखो ऑक्सीजन हैब्रिडाइजेशन बन के आई अपने को, एक एस द ऑरबिटल से पी दे तीन ऑरबिटल, हैब्रिडाइजेशन की आई है बेटा अपने को एस पी थ्री हैब्रिडाइजेशन। हुण थोड़ा जिहा ध्यान समझो, आपां ने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स भी पढ़े हुए हैं।
ठीक है। एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन दी स्ट्रक्चर्स केड़ी केड़ी होंदी ने, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन दी स्ट्रक्चर्स एक तो मिथेन सी एच फोर क्लीयर जिहड़ी कि टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंदी आ एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन दी एग्जाम्पल। नैक्सट तुसीं एग्जाम्पल पढ़ के आए हो बेटा जो आपां पढ़ के आए हैं एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन दी ग्रुप 15 हाइड्राइड वह भी मैं तुहानूं नाल नाल कंपैरिजन करवा रही हाँ तां जो तुहानूं पिछले क्वेश्चनस भी याद रहन, उस भी सेम अपने कोल एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आई सी ठीक है, तो उस दे विच बट अपने कोल की आया सी एक लोन पेयर ते तीन की आए सीगे बेटा अपने कोल बॉन्ड ठीक है। तो इत्थे अपने कोल जिहड़ी जमैट्री सीगी ये अपने कोल टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ, टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ते ए केड़ी स्ट्रक्चर है पुत्र जी अपने कोल पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर ए ग्रुप 14 दे हाइड्राइड्स ने, ए ग्रुप 15 दे हाइड्राइड्स ने, ते हुण आपां केड़े ग्रुप 16 दे हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं ठीक है जी। हुण इत्थे समझो बेटा ध्यान नाल हाइब्रिडाइजेशन इत्थे भी एसपी थ्री आ ठीक है जी, कंपैरिजन कर लिया ना अपने पिछले ग्रुप्स दे नाल, तां हुण ग्रुप 16 दी गल करिए तां इत्थे भी अपने कोल की आ एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन दे विच देखो बेटा अपने कोल टैट्राहेड्रल ही एक बेसिक स्ट्रक्चर आ, बट जिथे अपने कोले की ने दो लोन पेयर ते दो की ने बॉन्ड पेयर क्लीयर। तो इत्थे अपने कोले की आ रहा एक लोन पेयर ए बॉन्ड की जगह पर आ जाना, सेकंड लोन पेयर बेटा इस बॉन्ड की जगह पर आ जाना, बाकी दो की रह गए अपने कोले बॉन्ड पेयर ठीक है। द टैट्राहेड्रल दी फॉर्म दे विच अपने कोले दो लोन पेयर आ गए ते दो बॉन्ड पेयर आ गए, इवन ये दो लोन पेयर दी रिपल्शन होने करके ये स्ट्रक्चर अपने आप नूं इस तरह मॉडिफाई कर लैंदी है जिस दे विच दो लोन पेयर इस साइड ते आ जांदे ने तां जो रिपल्शन घट तो घट होवे ते दो बॉन्ड पेयर इस साइड ते आ जांदे ने क्लीयर है पुत्तर ठीक है। तो यह अपने कोल किहदी स्ट्रक्चर आ गई वाटर की। हुण ये जमैट्री का नाम की है जी, हुण एक्चुअल दे विच जमैट्री इदां शेप किहदी हुंदी है वी शेप ठीक है, इदा दी हुंदी ना वी, तो इहनूं आपां उल्टा कर दिए इस तरह ये भी एक तरह की वी आ ठीक है। तो आपां इहनूं की कह सकते हैं वी शेप, वी शेप जां फिर आपां की कहांगे इहनूं बेंट शेप, वी शेप बेंट शेप और ऑलसो नॉन एज द एंगुलर शेप, और ऑलसो नॉन एज एंगुलर शेप, वी शेप वेंट शेप और एंगुलर शेप तिने दे नेम ने सेम ठीक है, तिने चों तुसीं कोई भी नेम लिख सकते हो ठीक है राजे। नैक्सट आप गल करते हैं बॉन्ड एंगल की, नैक्सट की है बेटा बॉन्ड एंगल। हुण ध्यान नाल सुनो बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ मिथेन, मिथेन दे विच अपने कोल बॉन्ड एंगल किन्ना हुंदा बेटा 109.5 डिग्री ठीक है, ते इन केस ऑफ अपने कोल अमोनिया दे विच ठीक है एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर होने करके रिपल्शन हो जाती है, तुहानू पता ही है कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होंदी है, तुसी VSEPR थ्योरी पढ़ी होनी प्लस वन दे विच ठीक है, जिथे तुसी पढ़ते हो कि लोन पेयर रिपल्शन सब तो ज्यादा होंदी है, तो इत्थे लोन पेयर की रिपल्शन होने करके ये बॉन्ड एंगल 109.5 तो डिक्रीज हो गए किन्ना रहिंदा बेटा 107 डिग्री ठीक है जी। हुण ए केस दे विच अपने कोले की आ गए दो लोन पेयर आ गए तो रिपल्शन होर भी ज्यादा इनक्रीज हो जूगी, तो इत्थे बॉन्ड एंगल 109 तो 107 रह गया, इत्थे बॉन्ड एंगल होर भी डिक्रीज हो जाना, इत्थे अपने कोले बॉन्ड एंगल किन्ना रह जाना बेटा सिर्फ 104.5 डिग्री क्लीयर है। तो इत्थे अपने कोल बॉन्ड एंगल किन्ना हो गया इसका 104.5 डिग्री क्लीयर है जी ठीक है। तो यह सीगा अपने कोल बॉन्ड एंगल ते स्ट्रक्चर ग्रुप 16 हाइड्राइड्स की, आप वाटर की गल की, बाकी सारे हाइड्राइड्स की भी सेम स्ट्रक्चर रहनी है बट बॉन्ड एंगल द डिफरेंस हो जाना ठीक है जी। तो अपने कोल क्वेश्चन नंबर 46 सीगा बेटा है ठीक है, कि अपने हाइड्राइड्स पढ़े ने ग्रुप 16 एलीमेंट्स के जिस दे विच अपने वाटर की स्ट्रक्चर बारे डिस्कस किया। नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 ठीक है। तो क्वेश्चन की आ वाई द बॉन्ड एंगल, वाई द बॉन्ड एंगल, वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजिस, वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजिस ऑफ ग्रुप 16, ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स एज वी मूव, as we move from top to bottom, as we move from top to bottom।
ध्यान ना सुनो बेटा इहदे नाल दा सेम डिटो क्वेश्चन तुसी ग्रुप 15 हाइड्राइड्स दे विच पढ़ के आए हो ठीक है उत्थे भी आपां बॉन्ड एंगल पढ़िया सीगा अमोनिया दा फॉस्फीन दा आरसाइन स्टीबाइन बिस्मुथाइन दा कि जिथे बॉन्ड एंगल अपने कोले टॉप टू बॉटम जांदे होए डिक्रीज हुंदा ठीक है उही सेम क्वेश्चन की है बेटा ग्रुप 16 हाइड्राइड्स दा मैं तुहानू पहले ही कहा सी ये सारे ग्रुप इंटरलिंक्ड ने अगर एक ग्रुप तुहानू क्लीयर हो जांदा चंगी तरह समझ लग जांदी है तां उहदे नाल दे ही बाकी दे ग्रुप्स दे क्वेश्चन बनदे ने ठीक है जी इंटरलिंक्ड बेटा है तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਟੈਲਰੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟੈਲਰੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 104.5 ਡਿਗਰੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਚਾਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 92.1 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 91 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲਰੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 15 ਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਸ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਡੂ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਡੂ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ 15 ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 15 ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਅਰੇਂਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰੇਂਜ H2O H2S H2 SE ਐਂਡ H2 TE TE ਮਤਲਬ ਟੈਲਰੀਅਮ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਸਲੇਨੀਅਮ ਟੈਲਰੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਟੈਲਰੀਅਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੇਨੀਅਮ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਫਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਸਲਫਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ H2O ਦੈਨ H2S ਦੈਨ H2SE ਐਂਡ H2TE ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੇਨੀਅਮ ਦਾ ਦੈਨ ਸਲਫਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਟਰ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
एक्सेप्शन ते जिथे एक्सेप्शन आ जाती है उही क्वेश्चन की हुंदा इंपॉर्टेंट हुंदा क्लीयर। तो इतने एक्सेप्शन की आ गई कि इतने अपने को सब तो ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट की आ गया वाटर का आ गया ठीक है। बाकी फिर साइज के अकॉर्डिंग सेम सीकुएंस रहना बट इतने वाटर का सीकुएंस की हो गया चेंज हो गया ठीक है। मीनस सब तो ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट किसका वाटर का। हुण समझो इस चीज़ नूं ध्यान नाल कि वाटर का बॉयलिंग पॉइंट सब तो ज्यादा क्यों आ। देखो इन केस ऑफ वाटर अगर आप वाटर एच टू ओ की गल करिए तो अपने को वाटर के मॉलीकुल्स एदा स्ट्रक्चर ठीक है जिथे आप इतने दो लोन पेयर बनाने से ठीक है। तो इदा वाटर की स्ट्रक्चर होंगी है बेटा तो यह जो बहुत सारे वाटर के मॉलीकुल प्रेजेंट पे ने अपने को। दैन उस तो बाद नैक्सट देखो हूँ अपने को एक मोस्ट इलैक्ट्रो नैगेटिव एलीमेंट पिया तो दूसरा इलैक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट जिदे करके एक एलीमेंट से पार्शियली नैगेटिव चार्ज आ जाना तो दूसरे उत्ते क्या आ जाना बेटा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ठीक है। तो जो पार्शियली पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज मीनस मोस्ट इलैक्ट्रो नैगेटिव एलीमेंट एक मॉलीक्यूल का दूसरे मॉलीक्यूल का हाइड्रोजन नेड़े आते हैं तो इन्हों आपस इंट्रैक्शन क्रिएट होंगी आ दैट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन और बॉन्ड इज नॉन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है। तो इतने हाइड्रोजन बॉन्ड होन करके ठीक है तो इतने थोड़ा बॉयलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्राइड्स के नालों इनक्रीज हो जाता ठीक है जी। तो अगर इतने बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज हो गया तो इट मीनस वाटर एच टू ओ केस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज हो गया तो सब तो ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट किसका होना बेटा वाटर का होना दैन सल्फाइड का दैन सलेनियम का एट लास्ट कि होना टैलरियम का ठीक है जी। तो की एक्सैप्शन दसने तुम ने इतने कि वाटर के केस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सल्फर च नहीं होंगी सलेनियम या टैलरियम के केस च नहीं होंगी नहीं होंगी क्यों नहीं होंगी है बेटा बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इलैक्ट्रो नैगेटिव एलीमेंट्स के विचाले होंगी आ तो मोस्ट इलैक्ट्रो एलीमेंट्स केड़े केड़े ने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ठीक है। बस ये तीन ही एलीमेंट ने पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच जिहड़े हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं केड़े केड़े फ्लोरीन ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दे विच आपां अमोनिया दा क्वेश्चन पढ़ के आए हैं एक्सैप्शनल क्वेश्चन अमोनिया के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस से सीगा। हुण अपने को ग्रुप 16 दे विच अपने को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लाइक जिवें वाटर का काफ़ी क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस से आना ठीक है। इदा ही सेम ग्रुप 17 दे विच अपने को एच एफ बन के आना तो उत्थे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई होनी है क्लीयर है जी। तो सिर्फ तीन ही एलीमेंट ने जिथे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसैप्ट अपलाई होना इतने अपने को फ्लोरीन ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन दे नाल ठीक है जी। तो वाटर का बॉयलिंग पॉइंट सब तो ज्यादा क्यों होंदा बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है। नैक्सट कंसैप्ट की पूछा जाता तो विच इज द मोर वॉलेटाइल ठीक है। यही क्वेश्चन मैं नवा क्वेश्चन नहीं बना रही है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का ही ए पार्ट बना सकते हो तुसी विच इज द मोस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड विच इज द मोस्ट वॉलेटाइल विच इज द मोस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड कह लो या हाइड्राइड कह लो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट विच इज द मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट। हाँ जी सब तो ज्यादा वॉलेटाइल हाइड्राइड के हूँ वॉलेटाइल के मतलब जिदी ईजी की बन सके बेटा वेपर्स बन सकन विच कैन फॉर्म्स ईजी वेपर्स ठीक है जिदे बहुत जल्दी वेपर्स बन जाते हैं कि होगा मोस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड। तो हूँ इन्होंने सब तो छेती वेपर्स कि बनने देखो इसका बॉयलिंग पॉइंट तो सब तो ज्यादा जिन्ना ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट उन्ने वेपर्स घट ठीक है। इधरों इसका बॉयलिंग पॉइंट सब तो ज्यादा आ तो सब तो घट बॉयलिंग पॉइंट कि रह गया बेटा एच टू एस का ठीक है। सो सब तो घट बॉयलिंग पॉइंट कि एस टू एस का तो एस टू एस की है एक मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता विच इज अ मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड एच टू एस इज अ मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड। तो आंसर जो अगर तुम डिटेल पूछा गया तो आंसर तुम यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस से मतलब यही सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना ओके। तो क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो अपना ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन की है बेटा H2O is लिक्विड बट H2S is गैस ठीक है। वाटर की है लिक्विड अपने को हाइड्रोजन सल्फाइड की है गैस एक्सप्लेन वाई ठीक है। तो हम देखो H2S ते H2O दोवें ही सेम ग्रुप के हाइड्राइड्स ने अपने को दोवें ही ग्रुप
16 दे हाइड्राइड्स ने, बट जो H2 आ वो नैचुरली किदां एग्जिस्ट करदा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ते H2S किदां एग्जिस्ट करदी है बेटा इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो हुण क्वेश्चन आंसर देखो, मीनस इत्थे अपने कोल की होया कि H2O मीनस पोस्ट मान लो तुहानू आंसर नहीं पता, तुसीं किदां प्रडिक्ट करोगे क्वेश्चन नूं पढ़ के। ठीक है, तो देखो H2O की आ लिक्विड आ, हुण लिक्विड का मतलब की होया कि पार्टिकल्स दे विच थोड़ा डिफरेंस हैगा, मतलब थोड़ा गैप है इत्थे। ठीक है, तो इन केस ऑफ H2S दे विच की होया कि यह गैस आ, गैस का मतलब पार्टिकल्स दे विचाले बहुत ज्यादा गैप आ। ठीक है, यही मतलब होंगे ना गैस का, कि पार्टिकल्स के विचाले की हैगा फोर्सिज ऑफ अट्रैक्शन की ने वीक ने, ते लिक्विड के केस के विच एज कंपेयर टू गैस फोर्सिज ऑफ अट्रैक्शन की होंगे ने ज्यादा होंगे ने। ठीक है, तो हुण देखो राजे, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे विच की हुंदा कि H2O जदों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करदे ने, ठीक है, तो एक्चुअल दे विच की हुंदा कि इत्थे अपने कोल एक इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ऑक्सीजन ते एक इलैक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट हाइड्रोजन, जिथे इत्थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, सेम इत्थे नैगेटिव ते पॉजिटिव इत्थे भी की बन के आ गया अपने कोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके बेटा एक एक्सट्रा टाइप की बॉन्डिंग बन जाती है, जिदे करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होर थोड़े नेड़े नेड़े आ जाते हैं, तो क्लोजली पैक्ड होने करके, ठीक है, एक इस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के। ठीक है, बट इन केस ऑफ H2S के केस की होगा, उसकी भी स्ट्रक्चर सेम होंगी है, वी शेप, बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप। ठीक है, बट ए केस दे विच अपने कोले कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगी। ठीक है, कि इत्थे अपने कोले कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन के आती, हुण हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बन के आती, क्लीयर, क्योंकि इस केस दे विच जिहड़ा सल्फर की हैगा वह लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट आ। ठीक है, तो सल्फर घट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट होने करके यह हाइड्रोजन के नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। ठीक है, अगर इस पार्शियली नैगेटिव चार्ज नहीं आना, तो इस कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं क्रिएट होनी, तो लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रही है, तो इट मीनस यह इसकी नेचर कि हो जानी है गैस, कि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, कोई आपस एक्सट्रा बॉन्डिंग नहीं हैगी। बट इन केस ऑफ वाटर के हो जाना बेटा, इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके मॉलीकुल्स थोड़े नेड़े आ जाने, करके वाटर नैचुरली किदां एग्जिस्ट करता लिक्विड फॉर्म। ओके, तो यह सीगा अपने कोल क्वेश्चन नंबर 49। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं बेटा आप हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलीमेंट्स का, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन की है बेटा, एक्सप्लेन द एसिडिक करैक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। एक्सप्लेन द एसिडिक करैक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। ठीक है, मतलब अपने ने एसिडिक करैक्टर एक्सप्लेन करना। हुण याद करो थोड़ा जा, अपना पहला लुईस बेस का कंसैप्ट करके आए हैं ग्रुप 15 दे विच। मैं तुहानू दस्या सीगा कि एसिड बेस से, ठीक है, प्लस वन इक्लिब्रियम चैप्टर दे विच तुसी कंसैप्ट पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, जिस विच तुहानू दस्या वी एक अरहीनियस का कंसैप्ट हुंदा एसिड बेस का, एक लॉरी ब्रॉन्स्टर का कंसैप्ट हुंदा बेटा, ते एक लुईस का कंसैप्ट आ। ठीक है, अरहीनियस अकॉर्डिंग एसिड वह होंगे जी जो एच पॉजिटिव की करते लॉस कर दे, तो बेस वह होंगे जो एच पॉजिटिव एक्सैप्ट कर ले। ठीक है, सॉरी, बेस वह होंगे बेटा जिहड़ा ओ एच नैगेटिव की कर दे, डोनेट कर दे, ओ एच नैगेटिव नू की कर दे बेटा, डोनेट कर दे। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टर के अकॉर्डिंग एसिड वह होंगे जो एच पॉजिटिव की करे लॉस करे, तो एच पॉजिटिव जो एक्सैप्ट करे लॉरी ब्रॉन्स्टर का कंसैप्ट आ। लुईस ने की कहा सीगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन की कर रहे हैं डोनेट कर रहे हैं, सॉरी, जो लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट कर रहे हैं वह की है लुईस एसिड, तो जो लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन की कर रहे डोनेट कर रहे हो की अपने को लुईस बेस। ठीक है, हुण एक केस दे विच देखो इत्थे अपने कोल एसिडिक करैक्टर पूछा जा रहा, एसिडिक करैक्टर ग्रुप 16 हाइड्राइड्स का, लाइक जिवें अपने कोल H2O आ, जां फिर अपने कोल होर गया बेटा H2S, अगेन H2SE, दैन उस बाद H2TE। ठीक है, तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स ने, इन्हें तो अपने एसिडिक करैक्टर एक्सप्लेन करना। हुण एसिड जिवें वाटर आ, अगर आप वाटर नूं देखिए तो वाटर किदां ब्रेक हो जाता, H2O, ठीक है, इससे सैल्फ आयनाइजेशन बनती है, तो इसका
OH नैगेटिव प्लस एच पॉजिटिव आयंस विच ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वाटर की है एच पॉजिटिव भी रिलीज कर सकता है तो OH नैगेटिव भी रिलीज कर सकता, तो वाटर की है अपने को न्यूट्रल है इतने। ठीक है, बट इतने आप कंसैप्ट कि लगावे अरहीनियस का, क्योंकि एच पॉजिटिव की कर रहे हैं ये लॉस कर रहे, आप एसिडिक करैक्टर की गल कर रहे हैं। ठीक है, नैक्सट इन केस ऑफ एच टू एस के केस देखते हैं, एच टू एस के केस अपने को इतने एक एच पॉजिटिव रिलीज हो जाना प्लस एस एच नैगेटिव। ठीक है, नैक्सट केस यही एस एच नैगेटिव ने की करना बेटा, ठीक है, इन्हें फिर दोबारा एच पॉजिटिव रिलीज कर देना, दैन इतने अपने को रह जाना एस टू नैगेटिव। ठीक है, तो हूँ यह केस देखो पुत्र अपने को एच पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो इट मीनस इन्हों का कि नेचर हुई एसिडिक नेचर हुई, तो ग्रुप फिफ्टी ग्रुप सिक्सटीन हाइड्राइड्स एच पॉजिटिव लॉस कर देंगे ने, तो करके इन्हों का की है एसिडिक करैक्टर के होंगे ने, बट एक्सैप्ट वाटर, वाटर न्यूट्रल नेचर का होंगे क्योंकि ये OH भी होंगे। क्लीयर, बाकी सारे का कि नेचर होंगी है एसिडिक नेचर होंगी है। ठीक है, उस तो बाद अपने दसनी है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब की होंगे कि टॉप टू बॉटम एसिडिक करैक्टर इनक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम एसिडिक करैक्टर इनक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। तो हूँ देखो इतने अपने को एच टू ओ दैन एच टू एस दैन एच टू एस ई दैन एच टू टी ई। ठीक है, हूँ देखो बेटा टॉप टू बॉटम जाते हुए इसका एसिडिक करैक्टर इनक्रीज होना या डिक्रीज होना। बेसिकली सुनो पुत्र, जिन्हें जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज करता वह की होगा स्ट्रोंग एसिड होगा। ठीक है, तो इनकेस ऑफ वाटर सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सेलीनियम तो टैलीयम के केस के अपने को जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज करना, वो डिपेंड करता है जिदा एच वाला बॉन्ड की होया वीक होया। ठीक है, मतलब सेंट्रल एटम से डिपेंड करता। ठीक है जी, तो हम देखो इनकेस ऑफ एच एस एच सेंट्रल एटम का साइज ये अपन पता टॉप टू बॉटम साइज की होंगे इनक्रीज होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एच एस ई एच इहदा साइज थोड़ा होर वड्डा हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ एच टैलरियम के केस दे विच की होया बेटा साइज टैलरियम का होर भी वड्डा हो गया। ठीक है, तो देखो सब तो पहले तो जिवें जिवें सेंट्रल एटम का साइज इनक्रीज हो रहा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एटम का साइज इनक्रीज हो रहा, तो जिहड़ा सेंट्रल एटम का साइज वड्डा होण करके, ठीक है, तो डिस्टेंस हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम का की हो रहा वाधा जा रहा। अगर डिस्टेंस वाधा जा रहा बेटा, तो इतने अपने को जिमें जिमें डिस्टेंस इनक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी इनक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इनक्रीज होगी तो बॉन्ड बहुत छेती ब्रेक हो जाना, जिन्हें छेती बॉन्ड ब्रेक हो गया उन्हें जल्दी की कर देना एच पॉजिटिव रिलीज कर देना, तो जिदा जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज हो गया ओके होना जी स्ट्रोंग एसिड। तो देखो टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज की होंगे इनक्रीज होंगे। ठीक है, पॉइंट्स याद रखने बेटा, तुसी साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इनक्रीजिज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इनक्रीजिज कितों टॉप टू बॉटम चलने जो आप। सैकेंड, अगर सेंट्रल एटम का साइज इनक्रीज हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एटम, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन इनक्रीजिज, अगर डिस्टेंस इनक्रीज हो गया तो आप कहेंगे इनक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, इनक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ वध जानी आ, अगर बॉन्ड लेंथ इनक्रीज होगी, ठीक है, तो ईजी टू क्लीव द बॉन्ड, ईजी टू क्लीव द बॉन्ड, अगर बॉन्ड छेती ब्रेक हो गया तो इट मीनस जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज हो जाना, तो जिन्हें जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज करता तो वह एसिडिक करैक्टर इनक्रीज हो जाना, तो सब तो ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड केड़ा होगा एच टू टी ई दैन सेलेनियम वाला हाइड्राइड दैन सल्फर वाला हाइड्राइड। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एसिडिक करैक्टर ग्रुप 16 हाइड्राइड्स का टॉप टू बॉटम की होंगे इनक्रीज होंगे बिकॉज सेंट्रल एटम का साइज इनक्रीज होने करके। ठीक है, इतने अपने को डिस्टेंस इनक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ इनक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इनक्रीज हो गई बॉन्ड ईजी ब्रेक हो जाएगा, अगर बॉन्ड ईजी ब्रेक हो गया तो जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हाइड्राइड का क्वेश्चन है लास्ट। एक्सप्लेन एक्सप्लेन द थर्मल
एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स. एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स. ठीक है, हुण ग्रुप 16 हाइड्राइड्स केड़े केड़े ने बेटा अपने कोले H2O, H2S, H2SE, देन उस बाद H2TE. इन्हें दे अपने की डिस्कस करनी है थर्मल स्टेबिलिटी. ठीक है, सेकंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर. हुण याद करो इहदे नाल दा सेम क्वेश्चन, बस ग्रुप 16 दी जगह ते ग्रुप 15 हाइड्राइड्स दे विच तुसीं पढ़ के आए हो. ठीक है, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स सेम डिटो क्वेश्चन, आंसर भी सेम आ रहे. ठीक है, सिर्फ एग्जांपल चेंज हो रही है, उत्थे 15 दे हाइड्राइड्स सीगे, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्साइन, स्टीबाइन, बिस्मुथाइन. ठीक है, इत्थे अपने कोले ग्रुप 16 दे हाइड्राइड्स ने. ठीक है, इन्हां दी अपन की पढ़नी है थर्मल स्टेबिलिटी ते रिड्यूसिंग कैरेक्टर. हुण देखो थर्मल स्टेबिलिटी जिहड़ी हुंदी आ टॉप टू बॉटम जिवें आपां जाणदे आ तां थर्मल स्टेबिलिटी की हुंदी आ डिक्रीज. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिस as we move from top to bottom, but jo reducing character jo group 16 hydride the reducing character top to bottom ki hunda beta increase, top to bottom ki hunda increase hunda. theek hai, thermal stability kyon decrease hundi aa, रिड्यूसिंग करैक्टर क्यों इनक्रीज हुंदा, एक क्वेश्चन सेम ग्रुप 15 हाइड्राइड्स नाल मैच आ, उत्थे मैं तुहानू फुल डिटेल करवाई हुई आ. ठीक है, अगर तुहानू ओह क्वेश्चन पूरा चंगी तरह क्लीयर हो गया, ठीक है, मतलब समर कंसैप्ट क्लीयर हो बेटा तुहानू ओह क्वेश्चन दा, ठीक है, तां तुसीं इह क्वेश्चन बहुत ईजी इहदा आंसर दे सकदे हो. ठीक है, तो हुण थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हुई ते रिड्यूसिंग करैक्टर क्यों इनक्रीज होया, एक इहदा वी तुसीं आंसर मैनूं तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दस सकदे हो. ठीक है, ते इसदा आंसर भी तुसीं खुद करना, डू योर सैल्फ. ठीक है, इत्थे तुहाडे इह करवाउण दा मोटिव मैनूं इही हैगा. ठीक है, कि तुसीं जे तुसीं इत्थे खुद करोगे तां खुद दिमाग लगाओगे. अगर मैं कंसैप्ट दसदा, ठीक है, तां तुहानूं तुसीं कंसैप्ट फिर भुल जाणा. ठीक है जी, क्योंकि तुहानूं इक वारी मैं ऑलरेडी कंसैप्ट समझा चुकी हां चंगी तरह. ठीक है, तां तुसीं चाहे ग्रुप 15 हाइड्राइड्स वाला क्वेश्चन रिपीट देख लो वीडियो, ठीक है, जां फिर जे तुसीं कॉपी दे उत्ते लिखा है तां उहनूं दुबारा लिख लो. ठीक है, दुबारा उहनूं पढ़ लो, देख लो रे, तां उही सेम कंसैप्ट इत्थे अप्लाई करके तुसीं इहदा आंसर बहुत ईजी दे सकदे हो. हुण उह टाइम आ गया बेटा कि तुसीं हौली हौली क्वेश्चन देख के उहनां दे खुद आंसर बनाउणे सिखो, समझ लगी. ठीक है, तो इत्थे तुसीं इहदा क्वेश्चन दा आंसर भी खुद बनाउणा, क्लीयर है जी. ठीक है, अगर क्वेश्चन दा आंसर तुसीं खुद बनाउणे सीख गए तो फिर तुहानूं पी ब्लॉक दा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुसीं बहुत जल्दी तुहाडे माइंड दे विच उहदा आंसर, एग्जाम दे विच कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दी माइंड दे विच तुहानूं उहदा आंसर आ जाणा. क्लीयर है जी, तो इह सीगे अपने कोले ग्रुप 16 दे हाइड्राइड्स. ठीक है, वीडियो नूं ध्यान नाल देखो, इहनूं लाइक करो, शेयर करो बेटा. ठीक है, तो साइंस ग्रिप दे चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो नाल नाल प्रॉपर नोट्स भी बनाओ. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.